जय श्री राम, जय हो गोरखगिरी धाम की। साथियों नमस्कार, राम राम। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम की चर्चा है। 500 वर्षों बाद उनके मंदिर की स्थापना हो पाई है, गर्भगृह जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और पूरे देश से लोग वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की। वहाँ पर पूरे देश से लोग जा रहे हैं, हम भी गए थे चंद रोज पहले। तो प्रभु राम, हमारे महोबा से उनका क्या रिश्ता रहा है वो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि महोबा से भी प्रभु श्री राम का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। आप सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे जो स्थान है ये देखिए, चट्टानों के बीच में एक काला काला हिस्सा दिख रहा है। ये जो जगह है ये सीता रसोई कहलाती है। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट में रहते थे वनवास के दौरान, तो 11.5 वर्ष वो चित्रकूट में रहे और चित्रकूट से वो अक्सर यहाँ आते थे, गोरखगिरी पर्वत महोबा आते थे। तो वो महोबा जब आते थे तो नीचे रामकुंड था, गोरखगिरी के नीचे एक, वहाँ पर स्नान करते थे और उसके बाद गोरखगिरी पर्वत के ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान पर आते थे जहाँ पर ये सीता रसोई है। तो हम आइए आपको वो सीता रसोई दिखाते हैं जो प्रभु श्री राम की यादों से जुड़ी हुई है। अद्भुत जगह है और बहुत ही नेचुरल जगह है। अभी इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और ये चीख चीख के ये जगह आज भी प्रभु श्री राम की यादों में खोई हुई है। और प्रभु श्री राम का नाम यहाँ की वादियों में मौजूद है और हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर लगता है जैसे वाकई प्रभु का वास रहा हो। चट्टानों का विन्यास देखेंगे आप तो सोचेंगे कि ये चट्टाने एक के ऊपर एक सजाई गई हैं। ये सीता रसोई के बगल का हिस्सा है, यहाँ अद्भुत विन्यास है। देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टाने एक के ऊपर एक रखी गई हैं, छोटी चट्टान के ऊपर बड़ी चट्टान ये सजाया गया है। इधर सिद्ध बाबा की परिक्रमा का द्वार है, बहुत ही खूबसूरत है ये रास्ता और ये सीता रसोई का एरिया है। आइए हम आपको यहाँ देखिए, हर जगह राम का नाम लिखा हुआ है और राम की यादें अपने आप में समेटे हुए स्थान। और यहाँ एक बहुत बड़ा कटवर का पेड़ भी लगा हुआ है। ये देखिए मेरे ऊपर ये चट्टान फाड़ के जो निकलता है ये बरगद की प्रजाति है और यहाँ लगी हुई है। ये देखिए चट्टानों के बीच से ये निकल रहा है पेड़, चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ है। और एक पेड़ ये भी है, ये देखिए ये भी कटवर का पेड़ है। ये देखिए चट्टानों के बीच से निकलता है, चट्टान फाड़ के इसको कहते हैं निकलता है। तो ये सीता रसोई में अद्भुत पेड़ लगे हुए हैं। और आइए ये देखिए, ये सीता रसोई का एरिया है पूरा और जंगल है, बहुत शानदार हवा चलती है और बारिश हो गर्मी हो किसी भी सिचुएशन पर यहाँ पर जो है बारिश का असर नहीं होगा, बारिश से आप बचेंगे। नीचे ऐसी चट्टान है, ऐसी छाया है, उसकी खूबसूरत छाया। और तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये देखिए ये सीता रसोई का एरिया है, यहीं पे सीता जी खाना बनाती थी। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही अच्छी। और ये देखिए ये बहुत बड़ी चट्टान है, इसमें भी सीताराम लिखा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं सीता रसोई। तो ये त्रेता युग का स्थान है, आज जर्जर हालत में है। यह देखिए ईंटे रख दिए गए हैं यहाँ पर, वो एक निशानी के तौर पे चूल्हा बना दिया गया है बस। बाकी ये बगल में आइए, इधर देखिए ये सीता रसोई लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा सीता रसोई एक पहचान के तौर पर। और बड़ी बड़ी कंदराएं हैं यहाँ,
बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये। हर जगह राम का नाम, राम और ओम लिखा हुआ है, ये देखिए बहुत शानदार जगह है। और बगल में एक कटबर का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए, ये बहुत ही ये औषधीय पौधा है, बड़ा इम्पोर्टेंट पौधा है जो यहाँ लगा है। और आजकल हमारे यहाँ ये सिद्ध बाबा हैं बगल में, मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी का काम चल रहा है, तो ये बहुत शानदार जगह है। आइए आपको सिद्ध बाबा के दर्शन भी करवा दें। ये लीजिए, ये देखिए सिद्ध बाबा विराजमान है। प्रभु श्री राम जब आते थे यहाँ तो इनकी पूजा करते थे, इनकी आराधना करते थे। और बगल में गुरु गोरखनाथ हैं हमारे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ भी बाद में यहाँ पर आए, तप करते रहे। तो ये जगह, ये पूरा सीता रसोई का एरिया है। और एक बहुत ही खूबसूरत परिक्रमा भी है इधर सिद्ध बाबा की। इस परिक्रमा में देखिए आपको बड़ा आनंद आएगा। ये देखिए इधर गुफाएं बनी हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ भी बढ़िया खाना बनाने के लिए, ये भी सीता रसोई का ही हिस्सा है। यहाँ बहुत अच्छी चट्टाने हैं और यहाँ एक अंदर एक कमरा बना हुआ है जो बहुत अद्भुत कमरा है। ये है, अंदर घुसेंगे इसमें, भीतर बहुत जगह है। और ये जाड़े में गर्माता है और गर्मी में ठंडाता है, पर अभी उसमें अंधेरा है इसलिए नहीं जा सकते हैं। पर ये बगल कुल मिला के ये बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इधर देखिए बगल से ये गुफानुमा एरिया है, इससे देखिए दो चट्टानों के बीच में बना है, इससे जो है परिक्रमा करते हैं इधर की सिद्ध बाबा की। आइए आपको करवा देते हैं। बहुत ही अद्भुत है ये, बहुत ही शानदार परिक्रमा है। आइए, ये बहुत अच्छा लगता है इधर। ये देखिए इधर से आते हैं हम लोग और ये ऊपर का हिस्सा है। ये देखिए चट्टाने कितनी खूबसूरती से सजी हुई हैं सिद्ध बाबा परिसर में, बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ भी देखिए हर जगह राम ओम लिखा हुआ है। ये परिक्रमा मार्ग है, बहुत ही नेचुरल, बिल्कुल अद्भुत जगह है, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है। यहाँ पर जो ये पौधे लगे हुए हैं सब जड़ी बूटियाँ हैं। और ये एक उजियारी चुल कहलाती है, उधर जाने का रास्ता है। इधर से जाएंगे तो सीधे पहाड़ के इसके ऊपर पहुँच जाएंगे हम लोग, इसका रास्ता है। आइए आपको दिखा दें परिक्रमा मार्ग सिद्ध बाबा का, जो सीता रसोई से जस्ट लगा हुआ है। ये देखिए ये चट्टाने हैं इधर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए अद्भुत जगह है, यहाँ अगर आप बैठेंगे गर्मी में भी इतना आनंद आएगा कुछ पूछिए मत। और बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन होता है, अद्भुत स्थान है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ की चट्टाने इतनी अद्भुत हैं, इतनी खूबसूरत हैं, कुछ पूछिए मत। ये देखिए यहाँ पर भी एक कटबर का पेड़ लगा है, ये चट्टान फाड़ के निकलता है। ये देखिए कैसे चिपका हुआ है चट्टानों पर, ये बिल्कुल, ये पेड़ यहाँ पर लगे हुए और कहीं मिलेंगे नहीं जल्दी। और ये देखिए किस तरह से चट्टान रखी हुई हैं, बिल्कुल अद्भुत तरीके से लगता है सब सजाया गया है, बहुत ही शानदार। आइए ये देखिए ये परिक्रमा का मार्ग है, ये एक चट्टान है, बहुत खूबसूरत चट्टान है। इसमें भी देखिए राम ओम लिखा हुआ है, इसमें लोग दौड़ते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। आइए अब हम नीचे चल रहे हैं, आपको परिक्रमा मार के दर्शन करवा दें। जय हो बाबा। ये देखिए इधर भी राम, हर जगह राम, राम का नाम यहाँ लिखा हुआ है, चट्टानों का विन्यास ओम राम, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ का नज़ारा देखिए, ये देखिए इधर भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत एरिया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ भी चट्टाने बहुत अद्भुत तरीके से सजी हुई हैं सब। ये देखिए इधर से जाना पड़ता है, बहुत रोचक जगह है। और ये एक छोटी सी गुफा है परिक्रमा मार्ग में, अब हम वहाँ से चलेंगे। आइए दिखा दें आपको इस परिक्रमा मार्ग में, ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, इसी से हम निकलते हैं।
चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए इसके ऊपर का एरिया रोशनी है और ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, इसी से निकलते हैं। और हम लोग, छोटा सा है पर अद्भुत रोमांचकारी रास्ता है। और इधर से हम लोग, ये देखिए, इधर से हम लोग आए हैं। हर जगह ओम लिखा हुआ है, प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है। आइए, और अब हम लोग ऊपर आ गए। इस तरफ से देखिए यहाँ का बहुत ही शानदार व्यू चट्टानों का। ये देखिए, हम इधर से आए थे, है ना, ये रास्ता था। ये देखिए, यहाँ भी इधर से हम लोग चलेंगे। ये देखिए, बहुत ही शानदार जगह है। और ये इस तरफ चट्टाने देखिए कैसी सब एक के ऊपर एक रखी हैं, बिल्कुल अद्भुत तरीके से, बहुत ही शानदार। और ये लाइटिंग लगी है जो रात को जलती है, इसको पूरे को रोशन कर देती है। बस, और हम लोग आ गए। ये देखिए अद्भुत जगह है। ऐसी जगह आने पर आप चाहे जितने तनाव में हो, आप परेशान हो, यहाँ आइए, सुकून से बैठिए, कुछ देर आपका सारा तनाव रिलीज हो जाएगा। इतनी अच्छी आबोहवा है कि आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा, मतलब आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। ये ऐसी जगह है, मतलब आप कहीं पर भी बैठ जाइए तो आप अपने आप ध्यान में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा ध्यान केंद्र है, ये बहुत ही अद्भुत जगह है और बहुत अच्छा लगता है इधर। खुशनसीब है हम लोग जो हम लोगों को ये स्थान उपलब्ध है, नहीं तो सबको ऐसे स्थान नहीं मिलते। यहाँ से देखिए नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ की रास्ता बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल उबड़ खाबड़ है। यहाँ देखिए एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ है। हवा अच्छी चल रही है इस समय। ये देखिए ऊपर का नज़ारा और ये सामने का व्यू पहाड़ का। देखिए सामने अंधेरी गुफा है वो दिखाई दे रही है। वहाँ देखिए चट्टाने एक के ऊपर एक कितनी खूबसूरती से रखी हुई हैं। जय हो। ये पहाड़, वहाँ आगे बाबा नागराज है। आइए इधर से उतरते हैं हम लोग। संभल के उतरना पड़ता है, नहीं तो पता चला गिर जाए इंसान। ये देखिए हम वापस आ गए, परिक्रमा करके वापस सीते रसोई की ओर। इस समय पतझड़ है, पत्ते बहुत गिर रहे हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय हो सिद्ध बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिए हम लोग वापस आ गए हैं। ये देखिए प्रभु श्री राम का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।